किनसे अपोलॉजी मांगूंगा। ये सदन के अंदर बीजेपी जैसे पखंडियों से जो एक महिला की एक ट्राइबल महिला कहते हुए जो पैरोबी कर रही है और दूसरे एक महिला को अपमान कर रही है सदन के अंदर, वो भी मैडम सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में यूपीए सरकार बनी थी। जल जंगल जमीन के लिए सबसे ज्यादा लड़ाई मैडम सोनिया गांधी जी ने की थी और आज वो जल जंगल जमीन को हड़प रहे हैं बीजेपी पार्टी चुनिंदा कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों के लिए। ये आपको शायद जानकारी होंगे। मैं अपने चूक हुई गलती हुई एक बार नहीं 100 बार इसको स्वीकारा है। मैंने राष्ट्रपति निकाल चुके हैं मेरी जुबान से गलती से चूक हुई, इसका मतलब फांसी की तख्ते पे चढ़ जाऊं तो कहिए, सूली पे चढ़ जाऊं तो कहिए। अगर मेरे साथ कोई मेरे खिलाफ अगर किसी का कोई आरोप रहे तो मुझसे कहा करो। सदन के अंदर मेरे खिलाफ आरोप लगाया गया, मैंने स्पीकर साहब को खत लिख के जवाब देने के लिए समय मांगा, स्पीकर साहब ने जवाब देने के लिए मुझे मौका भी दिए थे, लेकिन ये सत्ता पक्ष वो भी नहीं करने दिया। आज सदन के अंदर सत्ता पक्ष खुद सदन को भंग करने के लिए सारे फौजों को तैनात किया। क्यों? अगर मेरे खिलाफ कुछ कहना है तो मुझे भी बोलने का मौका दिया करो। मैं चुनौती दे रहा हूं ये पखंडियों को, चुनौती दे रहा हूं। मैडम सोनिया गांधी जी को लेकर चुनाव के समय क्या बोला जाता हा? शोषी थारू की पत्नी के लिए क्या कहते सदन के अंदर? रेणुका चौधरी को किस टिप्पणी से पुकारा गया था, याद करो एक एक करके। और मैं खुद समय मांगा महामहिम राष्ट्रपति जी से, परसों मुझे समय शायद मिल सकते हैं। अगर परसों समय मिलेगा मैं खुद महामहिम राष्ट्रपति जी के घर जाके बात करके उनको अगर कोई चोट पहुंची मैं खुद राष्ट्रपति से माफी मांगूंगा। ये पाखंडियों से नहीं जो पाठ ज्ञान की पाठ पढ़ रही है, ये सारे पाखंडियों है, सारे महिला को अपमान करने में ये माहिर है। एक के बाद एक महिला को अपमान की घटना बताऊं, ट्राइबल के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं ये आसक्तपक। हिंदुस्तान में मोदी जी के जमाने में सबसे बुरा हालात हुई है ट्राइबल लोगों को, इतिहास देख लो, चाहे हिंदुस्तान की नजारा देखो, कुछ देखने का कोशिश करो।